आप हमारे लव और रिलेशनशिप के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत सारे लड़के मुझे कई बार पूछते हैं कि मैं ये कैसे जानूं अगर मुझे कोई लड़की लाइक करती है, मैं एक लड़की को प्यार करता हूं लेकिन मैं ये कैसे जानूं कि वो मुझे लाइक करती है कि नहीं करती। हालांकि इस बाबत में लड़कों को ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमेशा वो इन चीज के बारे में भागते, वो इन चीज के बारे में रोए रखते हैं कि मैं इस लड़की को बहुत प्यार करता हूँ लेकिन वो लड़की मुझे भाव नहीं दे रही है, वो लड़की मुझे इग्नोर कर रही है। लेकिन असल में लड़कों को ये पता भी नहीं होता कि उनको भी कोई लड़की लाइक करती है, उनको भी कोई लड़की पसंद करती है। लड़कों का ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। हमें लगता है कि हमें कोई लड़की भाव नहीं दे रही है, हमें कोई लड़की सारी इग्नोर कर रही है, लेकिन आपको इन चीज़ के बारे में पता भी नहीं होगा कि कितनी सी लड़की होती है जो आपको पसंद करती है, जो आपके सपने देखती है। लेकिन खैर, जिस तरह से उस लड़की को आपके बारे में नहीं पता जिसे आप लाइक करते हो, कभी कभी ऐसा बन जाता है, तो आपके लिए भी ऐसा हो सकता है कि कई लड़की ऐसी होती है जो आपको लाइक करती है लेकिन रियल में आपको इसके बारे में पता नहीं होगा। तो आपको मैं आप 7 बॉडी लैंग्वेज बताऊंगा लड़कियों के जो आपको लाइक करती होगी, तो हमेशा से वो ट्राई करे कि वो ऐसे बॉडी लैंग्वेज आप समझ सकोगे तो आप जान जाओगे कि वो लड़की रियल में आपको लाइक करती है। ये बॉडी लैंग्वेज लड़की इसलिए दिखाती है कि ताकि आप समझ सको, आपको भी पता चले कि वो आप में इंटरेस्टेड है, आपको पसंद करती है। बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले के ज़माने में जब कोई लैंग्वेज ही नहीं थी तब लोग इशारों से और बॉडी लैंग्वेज से सारी चीज़ों को समझ जाते हैं, लेकिन आज के टाइम में भी मर्दों के बारे में बात करूँ तो 70% मर्द होते हैं वो लड़कियों के बॉडी लैंग्वेज समझने में फेल हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में वो कोई लड़की है उसे पसंद करती है। लड़की है अपने बॉडी लैंग्वेज से ये जता जता के थक जाती है कि मैं तुमको लाइक करती हूँ, लेकिन सिर्फ 30% लोग ऐसे होते हैं जो लड़कियों के बॉडी लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ऐसी बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले मैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करूँगा वो है कि वो लॉन्ग टाइम तक, यानी कि वो ज़्यादा टाइम तक आपकी आंखों में आंखें डाल के, यानी कि आई कॉन्टेक्ट करके आपके सामने देखती है जब वो आपसे बात करती है या आप दोनों नज़दीक पे बैठे होगे, लॉन्ग टाइम तक आपकी आंखों में देख सकती है, आपके साथ आई कॉन्टेक्ट कर सकती है। ऐसा किस लिए होता है कि जब कोई लड़की आपको पसंद करती है तो आपके साथ रहना पसंद करती है, तो वो आपकी आंखों में देखना पसंद करती है, वो अपने आप को आपकी आंखों में देखने की ट्राई करती है। ये लड़कियों का सबसे पहला और मैं कहता हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उनका बॉडी लैंग्वेज होता है कि वो आपकी आंखों में बिना पलक झल के कई घंटों तक और बहुत ज़्यादा टाइम तक आपकी आंखों में देख सकती है, और उनको ये करना बहुत ही पसंद होता है क्योंकि उनको आप पसंद हो, इसलिए उनका ये पहला बॉडी लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा टाइम तक पलक झपके बिना भी आपकी आंखों में देखती रहेगी। जो मैं आपको दूसरी साइन के बारे में बात करूंगा, उनकी दूसरी बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करूंगा, जो अगर कोई लड़की आपको पसंद करती है कि तो आपको ये पता चल जाएगा। अगर कोई लड़की आपको पसंद करती है तो ये चीज़ आपको उस लड़की की आंखों में भी देखने को मिल सकती है, यानी कि उस लड़की की आंखों में आपको एक स्माइल देखने को मिलेगी। हालांकि इनको कहते हैं कि हंसती हुई आंखें, कई बार आपने ये वर्ड सुना होगा कि हंसती हुई आंखें। अगर कोई लड़की आपको पसंद करती है, जब वो आपके सामने आती है, जब आपके साथ में वो कहीं होती है, तो अगर आप ध्यान से इन चीज़ को नोटिस करो, अगर आप ध्यान से इन चीज़ को देखो, तो उस लड़की की आंखों में आपको एक हंसी दिखाई देगी, एक चमक दिखाई देगी, जिनको आप समझ सकते हो, अगर आप पढ़ सकते हो उसकी आंखों में, तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि वो लड़की आपको पसंद करती है, वो लड़की आपको लाइक करती है। यानी कि उनकी आंखों में एक ऐसी चमक होती है जिस तरह से कोई लोग हंसते हैं जब इस टाइम पे, उनकी आंखों में जो चमक होती है वैसी चमक उस लड़की की आंखों में आपके लिए हमेशा आपको देखने को मिलेगी। अगर कोई लड़की आपको पसंद करती है तो हमेशा से वो ट्राई करेगी, वो आपको हाथ को छूने के बहाने ढूंढेगी, वो बार बार आपको कंधे को टच करने के लिए बहाने ढूंढेगी, क्योंकि इनको ये करना अच्छे लगता है, क्योंकि उन्हें रियल में आप बहुत ही अच्छे लगते हो। कहीं कहीं पे ऐसे मौके आते हैं जब आप उनको टच करते हो, आप उनका हाथ पकड़ते हो या उनके कंधे पे आप हाथ रखते हो, तो उनको ये बहुत ही अच्छा फील हो सकता है, उनको बहुत ही सिक्योर फील हो सकता है। आपने अगर ध्यान से नोटिस किया होगा कि जिस मौकों पे वो आपके साथ टच करती है तो बिल्कुल आपको लिपकने की ट्राई करती है, लेकिन जब आप भी उनको कहीं टच करते हो तो उनको बहुत ही सुकून फील होता है, उनको बहुत ही सिक्योर फील होता है, क्योंकि उनको आपका साथ पसंद है, उनको आप पसंद हो। चौथे बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करूँगा तो आपको पता ही होगा कि कोई लड़की जब आपको पसंद करती है तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चन करती है। वो आपके बचपन के बारे में पूछती है कि आपका स्कूल टाइम कैसा था, आप बचपन में क्या करते थे, आपकी लाइफ में अब तक क्या हुआ,
और आपके फ्यूचर में बारे में जानने के लिए भी आपको क्वेश्चन करेंगे कि आपके फ्यूचर के बारे में क्या प्लान था। वो हर तरह से ट्राई करें कि आपको ज़्यादा जाने, आपको अच्छी तरह से जाने, आपके शौक क्या है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं, इन चीज़ों के बारे में वो हमेशा आपसे क्वेश्चन करेगी। उनको बहुत ही अच्छा लगता है आपके बारे में जानने के, क्योंकि ये सब करके वो आपको बहुत अच्छी तरह से जान सके, आपको पहचान सके कि आप कौन सी पर्सनैलिटी हो, आपका क्या व्यक्तित्व है। उनको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि वो आपको लाइक करती है। पांचवें बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करूंगा। अगर जो आपका कोई लड़की पसंद करती होगी तो आपको मालूम हो जाएगा कि कभी भी उसके लिए आपके पास आपके लिए टाइम हो गया होगा, ऐसा कभी मौका ही नहीं होगा कि आप कभी उनके साथ बात करना चाहो, आप कभी उनको मिलना चाहो या आप कभी उनके साथ बात जाना चाहो तो वो कभी आपको मना नहीं करेगा। इनका कितना भी इंपॉर्टेंट काम होगा वो कुछ भी करके, कोई भी एडजस्टमेंट करके आपके लिए टाइम निकालेगी नहीं करेगी। जब आप चाहो तब वो आपके लिए रेडी हो जाती है, उनके लिए आपके पास ऑलमोस्ट ऑलवेज टाइम होता ही होता है। इसका ये साइन है कि वो आपको लाइक करती है, उनको बहुत ही अच्छा लगता है आपके साथ बात करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना। इससे ज़्यादा उसको कोई दूसरी चीज़ करने में इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको प्रायोरिटी दे रही है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम दे रही है। इसका इम्पोर्ट मतलब ये होता है कि वो लड़की आपको लाइक करती है। सटी बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करूँ तो बहुत लोग होते हैं उनकी बहुत ही आदत होती है और अलग अलग आदत होते हैं, लेकिन अगर कोई लड़की आपको बहुत ज़्यादा लाइक करती है तो आपको ये भी बॉडी लैंग्वेज उसमें देखने को मिलेगा कि वो आपके लिए अपनी खुद की जो कुछ आदतें होती हैं उनको भी चेंज करने के लिए तैयार हो जाती है। वो आपके लिए आपके साथ टाइम स्पेंड करने की अपनी जो खुद की आदतें होती है, पुरानी आदतें उनको भी बदल लेती है, यानी कि वो भी वो चीज़ें करने लग जाती है जो आपको पसंद है। शायद इससे पहले आपसे पहले उनको वो चीज़ करनी अच्छी ना लगती हो, ऐसी जगह पर जाना अच्छा ना लगता हो, आपकी जो मूवीज़ फेवरेट होती है वो मूवीज़ भी उनकी फेवरेट हो जाती है। हो सकता है उनकी आदत आपको मिले उससे पहले कुछ और हो सकती है, लेकिन जब आप उनको मिले अगर वो आपको लाइक करने लगती है तो जो आपकी चॉइस होती है, जो आपकी पसंद होती है, जो सब आप करते हैं वो भी सारी चीज़ें उनको करना पसंद होता है, उनको वो सारी चीज़ें अच्छी लगने लगती है क्योंकि वो आपको लाइक करने लगी है। अब बात करते हैं सातवें बॉडी लैंग्वेज के बारे में, लास्ट और इम्पोर्टेंट। अगर कोई लड़की आपको लाइक करती है, आपको पसंद करती है तो आपके साथ रिलेशन बनाना चाहती है, इसलिए आपको बॉडी बहुत सारे बॉडी लैंग्वेज बता के ट्राई करेगी कि आपको भी पता चले कि वो आपको लाइक करती है। तो उसके लिए वो ट्राई भी करेगी कि वो आपको इम्प्रेस करे ताकि आप भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा ट्राई करेगी कि अपनी ड्रेसिंग सेंस में, अपने ब्यूटी में, बहुत अपने गेटअप में चेंजेस करेगी और आपको कुछ अलग दिखाने की ट्राई करेंगी, अपनी ब्यूटी से अट्रैक्ट करने की ट्राई करेंगी ताकि आप भी उसमें इंटरेस्ट लो, आप उनसे अट्रैक्ट हो और वो आप रेडी हो जाओ उनके साथ रिलेशन बनाने की। ये भी बॉडी लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा कोई लड़की में, अगर वो लड़की आपको लाइक कर दिया तो। अगर इस तरह से कोई आप लड़की आपको पसंद करती है और ऐसे बॉडी लैंग्वेज आपको दिखाती है तो आपको समझ आना चाहिए कि वो हमेशा वो लड़की आपको इम्प्रेस करने की ट्राई कर रही है, आपको पसंद करने लगी है। तो आपको यहाँ पे संभलना चाहिए और अपनी तरफ से आपके जो भी स्टेप आप उठाना चाहते हो, उनके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हो, उनके साथ रिलेशन बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हो उनके साथ। तो दोस्तों, अगर आपके रिलेशन में, आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इसके लिए कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे लव और रिलेशन के बारे में बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाता हूँ जो आपके लव लाइफ और रिलेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो फिर मिलेंगे कैसे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।